जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज का ये स्पेशल वीडियो रहने वाला है ओनली स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित। राजस्थान के जितने भी ओलंपिक एसोसिएशन से जो फेडरेशन संबंध है उनकी जो पीडीएफ मेरे पास आई थी उसके लिए ये जो स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ कि कौन कौन से जो गेम है राजस्थान के वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आपके ये दे रखा है भारतीय ओलंपिक संघ, ये लोगो देख रहे हो वहाँ से, इस जो मैंने पहले साइट से जो पीडीएफ डाउनलोड की थी उसी का है ये। तो ये दोस्तों वीडियो है, ये कब की थी दोस्तों, इसमें है आपके 10 अगस्त 2018 की जो पीडीएफ है, इसमें भारतीय खेल संघ भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि जो आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उससे कौन कौन से फेडरेशन संबंधित है और उस फेडरेशन से कौन कौन से गेम संबंधित है वो तो खुद को पता लगाना पड़ेगा। ये वीडियो पूरा देखने से पहले आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों जितनी भी स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें हैं हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी। तो स्पोर्ट्स का मतलब यह नहीं है कि दोस्तों आप मेरे को जो अदर वीडियो में नंबर है तो कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज कर करके बार बार परेशान कर रहे हैं लड़के। तो दोस्तों मेरे को क्या जितना पता है मैं बता देता हूँ। अब देख माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या फिर कर्मचारी बोर्ड है या फिर RPSC है, वो किस आधार पर ले रही है वो मेरे को थोड़ा पता है। उसमें दोस्तों मैंने RTI लगा के बार बार पूछा कि आप किस आधार पर ये आप भर्ती कर रहे हो, कौन कौन से खेल इसमें शामिल है राजस्थान के, तो मेरे को RTI का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था, मैंने आपको पहले बताया था। तो उसके हिसाब से आप ये जो PDF है इसमें जो आपके जितने भी 39 फेडरेशन है और उसके अलावा कौन कौन से जो फेडरेशन शामिल है, तो ये वीडियो बनाने के बाद मुझे कोई भी कॉल या मैसेज ना करें प्लीज़, ये जो आपकी इतनी सी मेहरबानी होगी, क्योंकि एक नंबर है दोस्तों और इतने सारे कॉल आ रहे हैं मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो ये है भारतीय ओलंपिक संघ है और ये 10 अगस्त 2018 को जो PDF थी उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो PDF है दोस्तों बताने के बाद में कोई भी इसको देखकर कोर्ट में ना जाए, ये केवल मैंने PDF डाउनलोड की थी और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। कोर्ट पर इस आधार पर कोई नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। इस न्यूज़ को आधार बनाकर कहीं भी किसी भी प्रकार की दोस्तों आप कहीं भी ना जाए, ये बस मेरा ये आप काम कर देना। तो राजस्थान की जितनी भी जो भर्ती है उसमें ओलंपिक के जो एसोसिएशन है उसमें दोस्तों पार्टिसिपेट का 2% जो आपका खेल कोटा है, कौन सा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित जितने भी फेडरेशन है उसमें आपके नेशनल पार्टिसिपेट यानी नेशनल पार्टिसिपेट, ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपके 2% कोटे में शामिल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित। अभी पहले मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि जो ये बहुत ज़्यादा विवादों में चल रहा है कि अदर जो खेल कोटे वाले हैं उसमें इसका फ़ायदा ज़्यादा ले रहे थे, तो इन्होंने जो एक्चुअल में स्टूडेंट है वो पीछे रह रहे थे उसके हिसाब से इन्हें अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, पेपर भी कटिंग आई थी उसमें, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसमें जो 39 फेडरेशन है उसी से संबंधित होंगे दोस्तों। स्पष्ट 5वें नंबर पर पॉइंट पर दे रखा है, किसी भी विज्ञप्ति को उठाकर आप देख लेना। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दोस्तों चलेगा, उसमें मेडल चलेगा दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट का नहीं चलेगा, अगर वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से है तो चल जाएगा उसमें। अब मैं लास्ट में वो डायरेक्ट उसी पर आ जाता हूँ मैं लिस्ट के ऊपर। यह दोस्तों आपकी जो लिस्ट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने हिसाब से ये लिस्ट आप देख ले, और ये लिस्ट दोस्तों अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट टुडे, क्या है जो आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा है, स्टडी पॉइंट टुडे, जिस पर आप देख रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से स्टडी पॉइंट टुडे सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में जो आपका मैं ये लिंक चेक कर दूंगा उसमें, वहां जाकर आप टेलीग्राम से ये जो PDF आप डाउनलोड कर ले, अपने हिसाब से गेम देख ले, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा मेरा ये गेम शामिल है ये नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ये जो आपका ये मैं अभी सेंड कर दूंगा इसको। तो ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI, इसमें फर्स्ट नंबर पर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से संबंधित है जो आपके एफिलेटेड विथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि इससे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंध है, कौन सा गेम है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से संबंधित ये गेम ये इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये है आर्चरी है, एमेच्योर है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वॉलीबॉल एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसमें बॉलिंग
बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, बॉक्सिंग है, इसमें साइकिलिंग है दोस्तों, ये टोटल है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, फेंसिंग है, जिमनास्टिक है दोस्तों आपके, हैंडबॉल हॉकी इंडिया है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें दोस्तों आपके जितने भी है दोस्तों, कायाकिंग है, एमेच्योर एंड कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसमें आपके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन है, तो टोटल 39 जितने भी है मैं आपको इसमें आप बताता हूँ। ये दे रखे आपके 39 19वें नंबर पे है दोस्तों आपका इंडियन रग्बी, ये इस प्रकार धीरे धीरे इसमें आप देख ले, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड लिंक पर शेयर जाकर उसमें से ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। आइस हॉकी है दोस्तों आपके मॉडर्न इसमें दे रखा है, और ये नेक्स्ट में आपका ये 39वें नंबर पर देख सकते हो आप 38 और 39 आइस स्केटिंग और कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया KAI, ये दोस्तों 39 वो हो गए। उसके अलावा बीमे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन गेम्स, अब ये दोस्तों आपके इंडियन गेम्स के अलग अलग दे रखे हैं इसमें, इसका दोस्तों मेरे को पता नहीं स्टेट, ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें अलग से दे रखा है, और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन कौन कौन है उसमें कौन कौन शामिल है ये इसमें टोटल दे रखे हैं, स्टेट में आपका जितने भी स्टेट है इसमें आपका राजस्थान का देख लेते हैं, राजस्थान ये रहा, ये 25 नंबर पर राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन से इससे मान्यता है, किसकी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबंध किससे है, राजस्थान से संबंधित, ये नॉर्मल न्यूज़ थी वो, बाकी जो 38 फेडरेशन है वो ही मेन है दोस्तों गेम्स में शामिल होने के लिए, चाहे वो रीट खेल के लिए हो, चाहे दोस्तों आपके रीट जो स्पोर्ट्स कोटा हो, या फिर दोस्तों आपका स्पोर्ट्स कोटा कौन सा, जितने भी सिविल वैकेंसी है 30 जो आपके जितनी भी ग्रेड पे है उससे कम का जो खेल कोटा 2% में शामिल है, सीधी नियुक्त है जिसमें नहीं देते हैं एग्जाम के थ्रू लेते हैं उसकी सबकी बात हो गई यहाँ पर, चाहे पटवारी ग्राम सेवक वगैरह सभी हो दोस्तों, उसमें सभी जो 39 फेडरेशन के अलावा जितने भी आपके मेडल हैं वो सभी चलेंगे, मेडल किसी में भी हो दोस्तों, स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया में दोस्तों इसमें अगर आपके पास नेशनल का मेडल है तो भी उसमें शायद तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, उसमें इंटरनेशनल का स्कूल ऑफ गेम्स ऑफ इंडिया में चलेगा, एक बार देख लेना। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी को भी इस वीडियो से आपत्ति है तो कृपया मुझे छोटा भाई मान के क्षमा कर दें, क्योंकि जो मैंने जितनी भी न्यूज़ थी मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ, और दोस्तों इसके आधार पर आप कहीं भी कोर्ट वोट में कहीं भी नहीं जाएँ, ये आपको अति कृपा होगी। और दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स से संबंधित हैं और आपको DPED यानी डिप्लोमा इन प्राइमरी जो आपके फिजिकल एजुकेशन है, और BPED होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है, किसी को भी ये कोर्स करना है तो दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से, जो नंबर है वो अबाउट पे दे रखे हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 9079803049 पर दोस्तों अगर आपको केवल और केवल कोर्स करना है तभी संपर्क करें, बाकी दोस्तों इसके लिए आप संपर्क ना करें कि मेरा ये गेम चलेगा नहीं चलेगा, ये कोर्स करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, केवल और केवल जिला स्तर पर आप प्रतिभागी रहे हो तो ये कोर्स कर सकते हो, कौन सा DPED और BPED, DPED का मतलब होता है जो थर्ड ग्रेड PTA के लिए, और BPED का मतलब है थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड उनके लिए जो ये कोर्स होता है। और दोस्तों अभी तक हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जितनी भी स्पोर्ट्स और जितनी भी अन्य डिप्लोमा की जानकारी वो यहाँ पर आपको मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।